इतना तो नए मार्केट में नहीं मिलता जैसा कलेक्शन आप पूरा हैक करके ले आए हो। बस आपकी मोहब्बत है दिनेश भाई, जैसा आपको चाहिए रख दिए सामने। बिल्कुल। अमीन भाई आप ये बताओ, इतना गन मेटलिक आप कहाँ से, बैंक मतलब डकैती वगैरह मार के तो नहीं लाए हो? नहीं ऐसा नहीं है। आज आपको 2016 मॉडल स्टैंडर्ड से जी 2022 तक का मॉडल दिखाने वाले हैं। आपकी स्टार्टिंग प्राइस है 35 to 40, तो ऑल पेपर वर्क के साथ में आपको दे देंगे 95,000 में। 95 में छोड़ दूंगा। बिल्कुल भी वेल मेंटेन। जिस समय में लॉन्च किया गया तो उसमें काफ़ी सारा कुछ चेंजेस। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली देसी गाड़ी, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक स्टैंडर्ड, और अपने देश की पसंद करने वाली एक स्पेशल कलर यूनिक, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अमीन भाई मज़ा आ रहा है भाई आज का कलेक्शन देख के। क्या कलेक्शन रखे हो भाई आज आप, आज आप कौन कौन सी दिखा रहे हैं भाई? आज आपको 2016 मॉडल स्टैंडर्ड से जी 2022 तक का मॉडल दिखाने वाले हैं, जो कि सारी गाड़ी। प्राइसिंग वैसे तो हमारी शॉप की स्टार्टिंग प्राइस है 35 to 40, ऐसा, और उसके बाद में फिर वो रेंज जो है अप होते जाता है, तो लगभग 1,95,000 1,95,2 lakhs तक की गाड़ियां हमारे पास में अवेलेबल है। बात है भाई, अगर आपको ऐसा कलेक्शन मिल जाए, पहला चीज़ आप सुनो भाई अपने पास बुलेट कितनी है? बुलेट लगभग, बुलेट की रेंज है हमारे पास में 25 से 30 गाड़ियां हैं। अच्छा। जो कि सारी गाड़ियां मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ जी, और लोएस्ट रेंज से हाई रेंज तक की गाड़ियां मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है। दोस्तों ये है रायपुर में राज मोटर के नाम से, और यहाँ पे आपको मिल जाता है 40,000 रुपये से। और रॉयल एनफील्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भाई के पास है 25 से लेकर 30 बुलेट, राइट भाई? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्टिंग से कौन सी बाइक दिखाएंगे? स्टार्टिंग में हम आपको दिखाने वाले हैं 2016 मॉडल स्टैंडर्ड, ठीक है भाई, क्लासिक की ही है जी। और जो कि अभी सबसे ज़्यादा डिमांडेबल गाड़ी है, बिल्कुल। और इस गाड़ी का मार्केट में इतना क्रेज़ है कि बोला जाए ये शॉर्टेज है मार्केट में। सही है। जो कि ये भी गाड़ी हम आपको अवेलेबल करके दे रहे हैं, जो कि मार्केट में अभी बिल्कुल भी इसका किसी भी दुकानदार के पास बोला जाए तो ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है। और एक गाड़ी और भी है हमारे पास में जो कि सर्विस पे गई हुई है, वो 2021 मॉडल है, ठीक है भाई। तो स्टैंडर्ड के भी दो मॉडल आपको दिखाने वाले हैं, और रेंज भी इसका काफ़ी कम है जो इसका प्राइस है जी। और काफ़ी कम प्राइस में जो भी बंदा इस मतलब राज मोटर में विजिट करता है तो उसको ये गाड़ी मिलने वाली है। इसकी प्राइसिंग क्या करने वाले हैं? ये आपको दे देंगे हम 1,15,000 रुपये में। 1,15,000 में छोड़ दो? बिल्कुल जी। और रनिंग की मैं बात करूं तो लगभग 23,000 इसमें चला हुआ है। ये एग्जैक्ट मीटर है भाई? एग्जैक्ट है। और बुलेट क्लासिक के लिए तो ये कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, हाँ रनिंग नहीं है, ठीक है। क्लासिक में 50,000, 60,000, 1,00,000 किलोमीटर तक भी चली हुई गाड़ी अगर आपको मिलती है तो उससे इंजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रॉयल इनफील्ड का जो इंजन होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाँ, और इसमें मेंटेनेंस की कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है भाई। फिर सेकंड कौन सी दिखा रहे हैं? सेकंड में 2017 मॉडल है जी, क्लासिक 350 है ये, ठीक है भाई, और ब्लू कलर में, ठीक है। ये गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और रेट में है ये भी गाड़ी, ये आपको हम दे देंगे 1,30,000 रुपये कंप्लीट में। 1,30,000 मतलब उसमें आपको RTO का जो इंश्योरेंस का एडिशनल खर्चा आपको देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा, गाड़ी का टोटल सर्विस वगैरह करके और इसका जो भी मेंटेनेंस का, जैसे कि कई कस्टमर क्या होता है ट्रायल लेने के बाद में बताते हैं कि इसका क्लच ढीला है, टायर डग है, या जो भी है गाड़ी बबलिंग कर रही है, तो वो ऐसा कोई भी शिकायत आपको नहीं आएगी, क्योंकि इसको ऑल ओके करके हम उस प्राइस में आपको देंगे। बिल्कुल। यहाँ की चीज़ अच्छी है, यहाँ पे आपको पहला सर्विस करके दिया जाता है, अगर इस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आता है लेने के बाद तो वो भी अमीन भाई यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे वो चीज़ को भी आपको ठीक करके देने वाले हैं। और गाड़ी दोस्तों हर आदमी का ना अपना टेस्ट अलग होता है, बिल्कुल अमीन भाई, वो सो कहीं ना कहीं ऐसा कमी लग ही जाता है गाड़ी में, आप चाहे कितना भी ओके करके दे तो उसके बाद भी अमीन भाई आपको वो कंप्लीट करके देने वाले हैं। फिर अमीन भाई कौन सी गाड़ी है? ये भी गाड़ी 2017 मॉडल है जी, प्राइस भी इसका सेम है, कंडीशन भी सेम है, ठीक है भाई, और ये भी सेम प्राइस में आपको कम्प्लीटली 1,30,000 रुपये में हम देंगे। 1,30,000 में ये भी छोड़ने वाले हो? और रनिंग की लगभग बात की जाए तो लगभग 20,000, 8,000 भी चली हुई यहाँ पे मैंने बुलेट देखी आपके पास। फिर नेक्स्ट कौन सी दिखा रहे हैं भाई? नेक्स्ट में 2018 की है ये जी, गन मेटल करा, ये भी आपको 135 की रेंज में आने वाली है, ठीक है भाई जी, और ये भी गाड़ी ऑल ओके है, इसमें भी किसी टाइप का कोई मेंटेनेंस नहीं है जी जी। ये विथ डॉक्यूमेंट चार्जेस इसमें इंक्लूड है 1,30,000 रुपये में। 2018 कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल कोई खर्चा नहीं देना। मैं जितनी भी गाड़ियों का जो भी प्राइस आपको बता रहा हूँ इसमें पेपर वर्क इंक्लूड है,
इसमें एडिशनल चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि गाड़ियों का जो प्राइस होता है उस प्राइस पे हम पेपर इंक्लूड करके देते हैं। बिल्कुल, वो चीज़ मैंने देखा भी हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको यकीन बता दूं, मैं खुद भी यहाँ से बुलेट ले चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे। मैं ये वीडियो में अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड या ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, भाई का ये वर्कशॉप भी आप देख सकते हो जहाँ पे गाड़ी को रिपेयर करते हैं। अगर आप लेने के बाद भी सर्विस कराते हैं तो आफ्टर मार्केट से काफ़ी सस्ती कीमत में आपको सर्विस करके दे देंगे, बहुत सस्ती और बहुत ही तगड़े तरीके से काम करके आपको देने वाले। अमीन भाई, आप ये बताओ, इतना गन मेटलिक आप कहाँ से, बैंक मतलब डकैती वगैरह मार के तो नहीं लाए आप? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हमारा जो काम है जी, लोगों में ये इस चीज़ की जानकारी है कि जितनी भी हेवी गाड़ियाँ हैं ये सबसे ज़्यादा हम ही लोग परचेस करते हैं। वो तो सही है, और दिखता भी है। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा रेट जो है वो सबसे पहले मैटर करता है। मतलब जैसे मार्केट में किसी आदमी को गाड़ी सेल करना है तो उसको उसकी मनमर्जी का रेट नहीं मिलता। ठीक है, तो हमारे यहाँ दोनों ही चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। अगर मान लो कोई गाड़ी बेचने आता है तो उसको उसकी मर्जी का रेट दें, और जो खरीदने आ रहा है, क्योंकि हमको खरीदने वाले का भी ध्यान देना है, तो हमको उसके लिए भी सोचना है, तो हम उसकी मनमर्जी के रेट में उसको गाड़ी दें। है ना। तो ये दोनों चीज़ें ही हम खास इसका ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कने गाड़ियों का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। भाई, गन मेटलिक तो आदमी ढूंढता ही मिलता नहीं, लेकिन आप पूरा हैक ये डिमांडेबल गाड़ी है। और ये अगर मान लो आपको शोरूम में भी बुक करना है तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। बिल्कुल। बाकी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आपके सामने खड़ी है गाड़ियाँ, जो गाड़ी आपको जिस रेट में आपका जो बजट है उस बजट पर आप इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ हर रेट में है, ठीक है भाई, हर बजट में है, हर कंडीशन में, ठीक है भाई, तो जिसके वजह से हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं। इसकी क्या प्राइसिंग ले रहे हो भाई आप? इसकी ये 2018 मॉडल है, ठीक है भाई, ये आपको दे देंगे हम 160 में। 160 में 18 मॉडल छोड़ दोगे, ये भी डबल डिस्क वाले के साथ में? हाँ, डबल डिस्क है और गनमेट कलर है। कलर तो गनमेट का रेंज देख ही रहे, मेरे पास कम से कम 7 से 8 गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल है भाई जी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और मैं गनमेटलिक देख पा रहा हूँ, इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? ये आपको आएगी 165 में। 165 में ये छोड़ दोगे। ये कब की मॉडल है? ये 19 या 20 का मॉडल है, ठीक है भाई। ये दोनों ही गाड़ियां सेम है, विद एसेसरीज है, गाड़ी फुली लोडेड है, आपको मतलब बाहर से इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। दोनों गाड़ियों में एलआई व्हील लगा हुआ है, डिस्क ब्रेक है, सामने आगे पीछे दोनों है। चेंज किया भाई? बिल्कुल। साइलेंसर वगैरह सभी इसमें चेंज है, डॉल्फिन वगैरह लगा हुआ है, मतलब एडिशनल आपको इसमें खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों की प्राइसिंग क्या दे रहे हो आप? 165 में दोनों छोड़ोगे? बिल्कुल। अभी नए का प्राइसिंग क्या होगा भाई? नया तो ये लगभग 260 के आसपास है, 260-250 के आसपास। गन मेटलिक डबल डिस्क है। और दूसरी चीज़, अभी ये मॉडल जो है क्या है कि रॉयल इनफील्ड ने भी अभी सारी गाड़ियों को अपग्रेड कर दिया है। बिल्कुल किया है। तो जो BS6 का नया मॉडल आ रहा है उसमें ये कलर नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, और इसी वजह से इस कलर का जो डिमांड में आने का जो रीज़न है कि कंपनी इस कलर को बंद कर दी, और लोगों की चॉइस है कि इस गाड़ी को खरीदना, मतलब इस कलर सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलर है ये। बिल्कुल, लोगों का। फिर उसके बाद आगे हम दिखाने वाले हैं, और उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं भाई, वो दो स्पेशल जो खड़ी हुई वो कौन सी है? वो सिग्नल मॉडल है। सिग्नल है जी। थोड़ा सा कॉस्टिंग उसका ज़्यादा आता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें गाड़ी को जिस समय में लॉन्च किया गया है तो उसमें काफ़ी सारा कुछ चेंजेस किया गया, कलर का चेंज किया है, उसका ग्राफिक्स चेंज किया है, गाड़ी के थोड़ा सा मॉडल में बदलाव लाया। तो वो जो दोनों गाड़ियां आप देख रहे हैं वो एक 19 की है और एक 20 की है जी। वहां तक भी हम पहुंचने वाले हैं, जो अपने देश को प्यार करता है, उस कलर की गाड़ी को लेना चाहता है, तो वो ऑप्शन आपको मिलने वाली है, तो वहां तक हम पहुंचेंगे। और उससे पहले आगे हम इससे और बाइक दिखाते हैं। ये आपकी डिमांड 2021 मॉडल है, ठीक है भाई। हाँ जी। बाकी रेट अगर देखा जाए तो इन दोनों के जैसा ही सेम इसका भी रेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें एसेसरीज कुछ, बाकी मॉडल वाइज वो एक साल ऊपर है। अच्छा भाई जी। बाकी ये है कि रेट तीनों का सिमिलर कर दे रहे हैं। हाँ, सेम है, क्योंकि उसमें एसेसरीज वगैरह नहीं लगा है। तो हमारे यहाँ ये भी चीज़ें हैं कि जैसे अब आपको ये कंप्लीट एसेसरीज में मिल रही है और ये विदाउट एसेसरीज में मिल रही है, तो आदमी क्या सोचता है कि अरे यार मेरे को इसमें अलग से खर्चा करना पड़ेगा। अगर जैसे यही गाड़ी आपको विथ एसेसरीज हम देते तो 175-180 के रेंज की गाड़ी है ये, तो हम उसको कम करके आपको 165 में ही दे दे रहे हैं, ताकि आपके पास ऑप्शन है कि वो जो आपको पैसा बच रहा है वो आप मार्केट पे एडिशनल जो भी एसेसरीज पर्सनल टेस्ट लगा सकते हो। हाँ, लगा सकते हो उसमें। और मॉडल आपको ऊंचा भी दे दे रहे हैं। हाँ, और मॉडल आपको नीचे साल दो साल ऊंचा ही मिल रहा है। ये 2021 मॉडल है। किस मॉडल है? टायर वगैरह भी सब यहाँ पे हर एक चीज कंडीशन में मिल रहा है। अगर ये सब लेना चाहते हो कम है, 7000 ओरिजिनल चली हुई ओरिजिनल 7000 बस। बिल्कुल, लेना चाहते हो तो आपको आना होगा दोस्तों राज मोटर में, मोतीबाग के सामने, रायपुर छत्तीसगढ़ में ये। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्रोमा
अरे बाप रे, क्या दो दो मॉडल आप रखे हो भाई ये, और दोनों एकदम यूनिक पीस लग रहे हैं मेरे को। इस कलर को ना यकीन मानो यार, जो पसंद करता है ना, जिसको क्रोमा चाहिए, वो दुनिया की कोई भी गाड़ी ला के उसके सामने रख दो, वो देखेगा ही नहीं, उसको चाहिए मतलब यही चाहिए वाली कंडीशन में लेते हैं। भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हो आप? ये दोनों आपको आएगी 190 के रेंज में। 190 के रेंज में। और मॉडल कब की है? मॉडल ये 2021 का है। 2021 की मॉडल दे दोगे 190 में? जी। इसमें और भी रेंज थी मेरे पास में जी। क्या है कि ये गाड़ी जो है बहुत कम, आप बोला जाए तो पूरे रायपुर में अगर देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत कम है, और दो से चार पीस जो थी वो मेरे ही पास अवेलेबल थी, जिसमें कि दो मैंने सेल आउट कर दिए और अभी दो बची है, और ये चारों गाड़ियां सेम मॉडल थी जी। तो इस गाड़ी की डिमांड ही अलग है और इस गाड़ी का एक अलग ही इंप्रेशन है। आदमी अगर इस पर चलता है तो उस पर एक अलग ही इंप्रेशन आता है। ठीक है भाई। तो ये गाड़ी जो है आपको अभी तो फिलहाल सिर्फ राज मोटर पे ही मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। बाकी और आप किसी भी डीलर के पास इस गाड़ी को मुश्किल है मिलना। अब दोस्तों आपको दो यूनिक कलर दिखाता हूँ, और जो देसी प्रेमी है ना वो इस बाइक को बिल्कुल नहीं छोड़ते। अगर जो अपने भारत देश से प्यार करता है ना, उसको सिर्फ एकदम देसी तरीका वाला चाहिए, तो यहाँ पे दोनों आपको मिलने वाला है। भाई ये कौन सी और क्या क्या डिमांड करें? ये 2019 मॉडल है और ये 2020 मॉडल, ये आएगी आपको 180 के रेंज में। ठीक है भाई। और वो 170 के रेंज में आएगी। गाड़ियाँ दोनों फुली मतलब मेंटेनेंस गाड़ियाँ हैं। ठीक है भाई। और गाड़ी में आपको कोई खर्चा नहीं करना है, एसेसरीज वगैरह कंप्लीट है। इस गाड़ी का जो है, इस गाड़ी पे एडिशनल इसने सीटिंग वगैरह चेंज करवाया है, मॉडिफिकेशन, हाँ मॉडिफिकेशन कराया है, अलग से साइलेंसर लगवाया है, तो मतलब गाड़ी पे आपको अलग से कोई भी खर्चा नहीं करना है। और जो इस गाड़ी का प्राइस है, उस गाड़ी पे पेपर इंक्लूडेड है जी, वो सारी चीजें हम आपको करवा के देंगे अपनी तरफ। और इसके साथ और भी है, इतने में ही खत्म नहीं हुआ, इसके अलावा और भी अंदर स्पेशल कलर यूनिक मैं आपके साथ दिखाने वाला हूँ। मिट्रियोस मिल जाएगा 21 मॉडल, वो भी अंदर, चलिए आपको लेकर चलता हूँ मैं। दोस्तों फिर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ थंडरबर्ड 350 एक्स सीरीज। इसमें पुराने थंडरबर्ड से काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। बड़ी विंडशील्ड इसमें मिल जाती है, डिजिटल मीटर हो जाता है, और इसका एग्रेसिव राइडिंग जो आपको देता है, एक कंफर्ट राइडिंग आपको इसके साथ मिलने वाली है। नए की अपेक्षा आपको सेकेंड हैंड में काफ़ी सस्ती कीमत में मिलने वाली है। तीनों आपको एकदम यूनिक कलर यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। वाइट, रेड और येलो का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको जो कलर चाहिए, इतना तो फरीद भाई इतना तो नए मार्केट में नहीं मिलता, जैसा कलेक्शन आप पूरा हैक करके ले आए हो। बिल्कुल। और अमीर भाई इसकी क्या क्या डिमांड कर रहे हो आप? ये मॉडल दोनों 2019 मॉडल है जी, इसमें कलर ऑप्शन दो मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई। और इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 1,45,000 रुपये। 1,45,000 में छोड़ दोगे? बिल्कुल। और एक येलो कलर की मिट्टी और देख पा रहा हूँ भाई, इसकी क्या डिमांड कर रहे हो आप? ये 195 में आपको फाइनली आ जाएगी। मॉडल 2021 है और इसका रनिंग बहुत कम है, समथिंग 4,000 से 5,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा भाई जी। और गाड़ी फुली मेंटेनेंड है, मतलब ये गाड़ी अगर आप लेते हैं तो ये समझिए कि आप शोरूम से नई गाड़ी। 195 और इसकी कीमत लगभग 260,000 या 265,000 के आसपास इसकी है, तो 265 इसका जो इसका नया प्राइस है। 70,000 सस्ती दे रहे हो आप 21 मॉडल। 70,000 आपको सस्ती मिलने वाली है ये गाड़ी जी। और गाड़ी में किसी भी टाइप का कोई मेंटेनेंस वर्क नहीं है, गाड़ी ऑल ओके है। 5,000 लगभग इसका रीडिंग है। बिल्कुल। और उसके बाद एक और गन मेटलिक मतलब ऐसा हो गया कि भाई के पास तो यहाँ कॉमन हो गया कि आप आओ कभी भी गन मेटलिक ले जाओ, इस टाइप का यहाँ पे कलेक्शन आपको मिल जा रहा है। गन मेटलिक लोग ढूंढते परेशान हो जाते लेकिन नहीं मिलता। 12,000 एग्जेट चली हुई क्लासिक, इसमें भी आपको मॉडिफिकेशन जैसे सामने के लाइटें वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगी, और साइलेंसर इसका बदला हुआ आपको मिल जाएगा। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं भाई आप? इसका डिमांड हम कर रहे हैं 185 का, 2021 मॉडल है। ठीक है। इसमें गन मैट जो होता है ना, एक मैट फिनिश होता है, और ये गन मैट ग्लॉसी है। ये भी गाड़ी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि अभी फिलहाल अपने पास एक सिंगल ही मॉडल है, और इस गाड़ी पे एडिशनल जो एसेसरीज वगैरह है वो लगा हुआ है। ठीक है। बस इसमें एक चीज़ की कमी है कि अलॉय व्हील की, तो जो 185 में देने का हमारा रीज़न ये है कि ऑप्शनल हम 5,000 इसलिए कम करके इसका रेट दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आदमी अलॉय व्हील लगाना चाह रहा है तो वो गाड़ी उसके बजट से पार ना जाए। बिल्कुल, है ना, उसके बजट के अंदर ही रहे, इस वजह से हम इस गाड़ी को 185 फाइनली में इंक्लूडेड ऑल पेपर वर्क। ठीक है भाई। और मैं इंक्लूड एक और मैं देख पा रहा हूँ, ये एलेंट्रा भाई है? एलेक्ट्रा है। 2021 मॉडल, BS6 मॉडल है। ठीक है भाई। ये आपको आएगा फाइनली 150 के रेंज में। 150 में फाइनल आप छोड़ने वाले हो? बिल्कुल। मॉडल कब की बताया इसका? 2021।
दोस्तों 2021 एग्जिट रीडिंग की मैं बात करूं तो 8000 8500 किलोमीटर ही चला हुआ है, इतना बेहतरीन कंडीशन में यहां पे आपको मिल जाएगा। विद आपको ABS वाली ये मॉडल देख रहे हैं जिसके आपको रियर में भी ABS सेंसर मिल जाता है। ये 2021 का आप मॉडल देख रहे हो, बहुत कम चला हुआ, ब्लू कलर में ये आप देख रहे हो। अगर इसी की सब प्राइसिंग अभी आप देखोगे यार मार्केट में, ये 1.5 लाख में यहाँ मिल जा रहा है आपको 40 से 50 हज़ार रुपये एक साल चला हुआ। 8000 बाइक के लिए, ये सब बाइक के लिए कुछ नहीं होता, 350 cc का बाइक जो है वो 40-50 हज़ार 1 लाख किलोमीटर के बात कुछ ही काम मंगेगा, उससे पहले इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। फिर आपको मैं और यहाँ पे स्पेशल कलेक्शन दिखा देता हूँ, जावा की भी बाइक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये जावा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है, 42 है भाई ये, 42 डबल साइलेंसर, और इसमें आपको 300 cc का इंजन मिल जाता है। और रॉयल एनफील्ड से जो एग्रेसिव राइड चाहिए, जिसको ज़्यादा स्पीड वाली बाइक चाहिए, तो ये बाइक की रफ्तार भी काफ़ी स्पेशल आपको मिलने वाली है। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं भाई? ये आपको हम देने वाले हैं 1,60,000 रुपये में। 1,60,000 मॉडल 2019 है, रनिंग इसका बहुत ही कम है, 4 से 4,500 किलोमीटर ओरिजिनल चली हुई गाड़ी है ये, ठीक है, जो कि नए से बहुत ही काफ़ी कम दाम में आपको मिलने वाली है। बिल्कुल, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है वो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ ये आपको मिलने वाला है। फिर दो आपको थंडरबर्ड 350 ओल्ड जन मॉडल मिल जाएगा, अभी जो 350X हो गया है। और ये दोनों की क्या डिमांड कर रहे हो आप? ये दोनों, ये 2018 मॉडल है, ठीक है भाई, जिसका हम फाइनली 90 का प्राइस रखे हैं, 90,000 का। अच्छा, और ये 2015 मॉडल है, ये आपको हम देने वाले हैं 80,000 में। 80,000 दोनों फुल मेंटेन गाड़ी है, किसी भी टाइप का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है भाई। और ये अगर मान लीजिए आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। बिल्कुल है, हाँ, इस पर मतलब आपको थकान महसूस नहीं होने वाली है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आदमी शौक में स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर पाता। बिल्कुल, तो अगर क्या है कि आपको लंबी राइड पे जाना है तो जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो है हैवी बाइक में बुलेट ही इस्तेमाल करते हैं। तो बुलेट क्लासिक 350 के अगेंस्ट में देखा जाए तो ये गाड़ी उससे ज़्यादा कंफर्टेबल लॉन्ग राइड के लिए। ये क्रूज़र बाइक के सेगमेंट में आ जाती है, इसलिए आपको काफ़ी कंफर्ट राइडिंग इसमें मिलने वाला है। और एक और यहाँ पे खड़ी हुई है, ये भी एक मॉडल जो है काफ़ी बेहतर कंडीशन में मिलने वाला है। और भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं अमीन भाई? ये इलेक्ट्रो मॉडल है 2014 का, ठीक है भाई, ये फाइनली हम इसको ऑल पेपर वर्क के साथ में आपको दे देंगे 95,000 में। 95 में छोड़ दोगे? बिल्कुल, भी वेल मेंटेन कंडीशन है गाड़ी, आप देख रहे हैं जिस हिसाब से जी। गाड़ी का रनिंग भी आपको आइए मैं बता देता हूँ, 65,000 किलोमीटर, बाकी इस गाड़ी पे वर्क बोलने से कुछ भी नहीं है, वेल मेंटेन गाड़ी है। तो इस पर आपको बिल्कुल भी किसी टाइप का कोई खर्चा नहीं करना है, गाड़ी में कोई सजावट नहीं करनी है, गाड़ी कम्प्लीटली ओके है ये गाड़ी। ओके, मतलब ले जाओ और चलाओ वाला बस कंडीशन में आप देने वाले हो। अमीन भाई वाकई में बहुत मज़ा आ गया आपका कलेक्शन देख के। ऐसा कलेक्शन ना बुलेट का मैं सोचता हूँ छत्तीसगढ़ में कोई नहीं रखता, ये सब दिल्ली बॉम्बई में बस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताना, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।